एग्जाम्पल्स कर रहे हैं अब, याद रहे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 14.4, क्योंकि तीन जो एग्जाम्पल्स हैं इससे पहले वो हम उसमें कर चुके हैं, वो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन के हवाले से थी या साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के हवाले से थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हवाले से थी, वो तो हम कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल है, देखें ये पेज नंबर 296 पर मौजूद है, यू कैन सी कैसे होगा। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। डेटा बनाइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें पी से शो करते हैं, डेट इज 20 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा दिया हुआ है, याद रहे कि कॉन्वेक्स लेंस के वाले से क्वेश्चन है, तो यहाँ आप इसी डेटा के टॉप पे लिख लें कॉन्वेक्स लेंस, ताकि आपको याद रहे कि साइन कॉन्वेंशन किस तरह चलेगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आगे कह रहे हैं फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ डेट इज 15 सेंटीमीटर। अब याद रहे कि फोकल लेंथ प्लस में होगी, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए इसको प्लस में लेना पड़ेगा जब आप फार्मूले में जाएंगे, तो याद रहे। उसके बाद आगे कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज, जो इमेज बनेगी लेंस इमेज बनाएगा उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी पोजीशन ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस एक ही बात है, इमेज डिस्टेंस पूछा है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस भी होता है, पोजीशन ऑफ इमेज बताइए और इसको हम क्यों की अलामत से शो करते हैं, याद है ना आपको पोजीशन ऑफ इमेज को, कितने फासले पर इमेज बनेगी, और मैग्नीफिकेशन भी बताइए क्या होगी, क्या मैग्नीफिकेशन कितने गुना मामला होगा। ओके तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या मालूम करना है बोलिए, इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको इमेज डिस्टेंस भी कहते हैं, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हेडिंग डाल लें 4Q, इसका मतलब है इमेज डिस्टेंस, और जाहिर सी बात है उसके लिए आप लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आपके पास जो फार्मूले आ गए उसमें पहला तो लेंस फार्मूला आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, फिर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आया HI/HO, फिर एक और फार्मूला आया Q/p, फिर इनका इक्वेट किया था हमने से, तो वैसे भी लिख सकते हैं, इक्वेट करके भी दोनों को लिख सकते हैं, तो Q/p इज इक्वल टू HI/HO बराबर करके लिखें, ये है वो फार्मूले जो यूज़ हो सकता है, तो क्यों के लिए लिखें बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस्तेमाल करें 1/f क्या हो जाएगा 1/p प्लस 1/q, ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करें, तो देखें अभी क्या होगा, यस 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/f की जगह क्या पुट करेंगे देखो 15, और ये प्लस में होगा इज इक्वल टू 1/p, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, ये भी प्लस में होगा क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट हकीकत में रखा हुआ है, प्लस 1/q ये इमेज डिस्टेंस है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ से आपको क्यों कैसे अलग करेंगे, सबसे पहला काम साइड चेंज करने का होगा, क्योंकि जो चीज़ हमें क्यों चाहिए वो राइट पर है और इसको आपको लेफ्ट पे लेकर आना होगा, तो साइड चेंज करें, जब आप साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो रकम राइट पर होती है उसको लेफ्ट पे 1/20 प्लस 1/q हो जाएगा और इज इक्वल टू, और जो लेफ्ट पे थी उसको राइट पे लिखेंगे, इस अमल में साइनें चेंज नहीं होती क्योंकि आपने दोनों तरफ पोजीशन पलट दी, बस साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्यों चाहिए तो 1/20 को उधर शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, याद रहे कि प्लस का 1/20 जब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ऐसी बात है, तो देखें यहाँ पे क्या होगा 1/q यस इज इक्वल टू, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी मुझे, 1/15 आया, फिर 1/20 आगे किस में हो जाएगा बोलिए, माइनस में हो जाएगा, अब ये LCM की सब्ट्रैक्शन आ गई या घटा आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हल करने के कई कायदे हैं, एक तो ये कि 15 और 20 का आप LCM लें, जब LCM आ जाए तो उसको फिर LCM को सेम करने की कोशिश करें, नहीं अगर आप 15 और 20 का LCM लें तो क्या आएगा, इसके लिए दूसरी क्लास में आ जाएगी, 15 और 20 का LCM देखें, बड़े से बड़े टेबल से लें
फाइव थ्री था 15, फाइव फोर था 20, तो ये फाइव आया, थ्री आया और फोर आया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने कोई दूसरी क्लास का मैथ तो नहीं करना ना यहाँ पे, तीनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते थे याद। फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर, तो फाइव थ्री था 15, 15 फोर था क्या हो जाएगा 60। अब क्या करना है आपने, 15 और 20 का एलसीएम है 60, तो अब इसको हल करने का कायदा ये होगा कि आपने लिखा 1/q, एक लाइन डालेंगे, लाइन डालने के बाद 15 और 20 का एलसीएम बीच में लगा देंगे 60। ये है, अब ये जो 60 आया इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलसीएम को सॉल्व करने का, इस तरह के बटे में जो अपॉन में रखने होती हैं सॉल्व करने का कायदा है। क्या करना है, 60 को पहले 50 और 20 से डिवाइड करना है, 60 को पहले 15 से डिवाइड करें। नहीं, हाँ ये नहीं, माइनस का साइन अभी ऊपर लगेगा, ये कायदा है, पहले लाइन डालने के बाद इन दोनों का एलसीएम लिखना है। अब ऊपर क्या आएगा उसमें, उसके बीच में क्या होगा, माइनस, वो तो लगेगा ही लगेगा। अभी हम तरीका सीख रहे हैं कि होता है क्या, 60 को पहले 15 से डिवाइड करें तो 15 चौके 60, नहीं माइनस करने पे 0, तो क्या आया 4 आया। ये जो 4 आया ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये कायदा। अब इस 60 को 20 से डिवाइड कीजिए, किससे, वही एलसीएम उसको 20 से, तो 20 या 60 होते हैं, 23 था 60 माइनस करने पे क्या आ जाएगा 0, नहीं। अब वो जो 3 आया उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कायदा ये है कि जो आपने एलसीएम लिया है उसको एक दफ़ा लिखकर जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं इससे इनको डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, क्योंकि इसके जो सवाल आते हैं 13 और 14 के, सब में यही चीज़ करनी पड़ेगी, लिहाजा इससे भाग नहीं सकते। 1/3 प्रैक्टिस करें बार बार, 4 बंदा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बंदा 3, अपॉन में कौन है 60, या 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा, तो 1/q इज इक्वल टू, देखें क्या होगा 1/60। अब क्या करना होगा, अब ये हमें क्यों ऊपर चाहिए, तो अपॉन में, क्योंकि जो चीज़ चाहिए होती है उसको न्यूमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में, दो तरफ पलट देंगे रकमों को। इसकी मिसाल ऐसे कि अगर लिखा हो a/b इज इक्वल टू c/d, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पलटी है, क्या हो जाएगा b/a, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा d/c, वही काम आप यहाँ करेंगे, तो q/1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 60। अब हर के नीचे 1 होता है लिखते नहीं है, तो q इज इक्वल टू वॉट 60, और इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड इमेज डिस्टेंस आ गया, या पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, और ये प्लस में आया, किस में आया प्लस में, इसलिए इसकी नेचर क्या होगी, रियल है या वर्चुअल इमेज है ये, क्योंकि जवाब प्लस में आया तो ये रियल इमेज होगी। अभी तो लिखा है रिवाइड निशानी में, लिखे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इमेज डिस्टेंस, रिक्वायर्ड इमेज डिस्टेंस, रेड क्लियर। तो पहला जवाब तो आ गया, अब क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, और ये रियल इमेज पूछा नहीं है, नेचर पूछते हैं बाजू का, नेचर बताइए क्या इमेज की, तो इमेज की नेचर है रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, जिसमें उल्टा नजर आएगा। मैग्नीफिकेशन बताओगे क्या होगा, अब दूसरा क्या था मैग्नीफिकेशन, यहीं से कर लेते 4 m का मतलब कौन है मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन के लिए वही वाला फार्मूला कौन सा, पहला दो फार्मूले, एक h/h एक q/p, तो जाहिर सी बात है q/p लगाएंगे, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये वाला लगाएंगे, कौन सा q/p वाला, क्यों भी पता है और आपको पी भी मालूम है, देखें क्यों की वैल्यू क्या निकाली आप 60 सेंटीमीटर, पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, फिर 0 0 से कट गया, फिर 6/2 बचेगा क्या 6/2, फिर 2 1 2 2 3 था 6, तो क्या हो जाएगा मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 3/1, हाथ के नीचे 1 होता है लिखते नहीं, तो क्या आ जाएगा मैग्नीफिकेशन इज 3। बताइए इसका यूनिट क्या होगा मैग्नीफिकेशन का, इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, यूनिट तो वहीं कट गया, रिक्वायर्ड मैग्नीफिकेशन है क्या, रिक्वायर्ड अगर इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के जरिए समझें, किसके जरिए, तो कैसे समझेंगे, तो देखें डायग्राम के जरिए भी समझते हैं इसको।
डायग्राम के जरिए कैसे समझा जाएगा इस वीडियो में। बन जाए, मिटा दो नहीं इसका, ये मैग्नीफिकेशन लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, याद है क्या है कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप डायग्राम के जरिए समझना चाहें तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये लेंस है और ये पॉइंट इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, याद है आपको क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फिर बीच में एक लाइन डालते हैं, याद कीजिए बीच में क्या आती है लाइन, फिर दोनों तरफ दो निशानात लेते हैं, फोकस का होता है और एक 2F का, इतने ही फासले पर यहाँ पे भी फोकस और 2F होगा, यही होगा ना भाई। अच्छा आप देखें डायग्राम, अगर आप अपने क्वेश्चन के डेटा पे गौर करें तो लेंस से लेके फोकस तक का फासला है कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट कितने फासले पर रखा है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होगा ये 15 है तो आगे 2F भी 15 सेंटीमीटर के फासले पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर के फासले पर, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि F और 2F के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, नहीं समझे बात को। फिर से देखो फोकल लेंथ 15 है और उसके आगे दूसरा निशान जो 2F लेते हैं वो भी इतने ही फोकल लेंथ वाले फासले पर होता है, यानी ये फासला यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, ये डिस्टेंस 20 होगा और ऑब्जेक्ट कितने फासले पर है, 20 पर नहीं, ये डिस्टेंस 30 होगा, क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है ना भाई, इस डिस्टेंस को अगर आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 30, और ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर के फासले पर, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा इस पॉइंट पर, नहीं समझे बात, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और उसका ये जो फासला है ये फासला 20 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप चाहें तो इस फासले को नीचे शो कर सकते हैं, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला, दैट इज़ पी, और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ये 15 है, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे फिर ये फासला 20 बन जाएगा। अब एग्जैक्ट तो हम पैमाइश नहीं कर रहे हैं, अंदाजे से बयान कर रहे हैं, तो ये केस बन गया कौन सा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एफ और 2F के अंदर होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, 2F के बियॉन्ड बनती है, याद करें। तो इसकी इमेज हासिल करने के लिए फिर दो रेज ली थी हम लोगों ने, कितनी इस तरह से दो रेज ली थी और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजरी थी, दोनों रेज यहाँ कहीं मीट करेंगी, ये सारे काम अंदाजे से हो रहे हैं लेकिन असल चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना है वो समझ लें। हम दोनों रेज यहाँ मीट करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास होती है अकॉर्डिंग टू रूल, और एक सीधी चली गई ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू और यहाँ पे मीट करेंगे, ये उल्टा एरो बना दिए यहाँ से, तो दिस इज़ योर इमेज, और ये जो इमेज बन रही है इसका डिस्टेंस कितना है, देखिए ये तो आपने निकाला है ना, इमेज डिस्टेंस कितना है बोली, 60 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 30 होगा, 15 + 15 30 हो गया और वो 60 पर आया नहीं, अब जाहिर है बहुत दूर बनेगी लेकिन हमें तो बोर्ड के अंदर रखना है ना अपने आप को। और देखें ये कैसी होगी, रियल होगी प्लस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है इमेज राइट पर बनती है, बताया था रियल होती है और ये उल्टी होती है, याद रखिएगा। और इसकी मैग्नीफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट है इसकी जो हाइट होगी वो 3 गुना होगी ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले में, देखें ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, इसका मतलब है कि लेंस क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट की इमेज को, मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, इज डेट क्लियर। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्जाम्पल, तो इसको इस तरह समझें। कल हम यही मिसाल दे रहे थे इन लोगों को सस्ते और महंगे की, कि बजाय 10 सवालात करने के आप एक क्वेश्चन करें, 2 करें, लेकिन उसको समझ के करें कॉन्सेप्ट के साथ। वो एग्जाम्पल हमने दी थी वो कहावत है उर्दू की, कि सस्ता रोए बार बार महंगा रोए, कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, महंगा रोए एक बार। तो एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से एक सवाल को समझ के, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन उसके बाद क्या होगा, बात आसान हो जाएगी। चलो थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं, 4 हैं, एक तो कर लिया हमने, 3 एग्जाम्पल्स आप घर पे कोशिश कीजिएगा करने की, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।